पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यस के द्वारा अग्निशमन विभाग मुरादाबाद के साथ एक अग्नि सुरक्षा और फायर एनओसी से संबंधित विषय पर एक मीटिंग का आयोजन दिल्ली रोड स्थित एक होटल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ। इसके पश्चात अतिथियों का बुके भेंट करके स्वागत हुआ। तत्पश्चात यश के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना ने उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने अग्नि सुरक्षा और फायर एनओसी के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर एमएचए के अध्यक्ष नवेदुर रहमान ने फैक्ट्रियों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। जैसे हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जैसे हमारे भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश में भी अगर दुर्घटनाएँ काफ़ी हो रही हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने प्लानिंग किया कि यहाँ पर जो मुरादाबाद में औद्योगिक व्यवसाय भी काफ़ी अच्छा है और आपस में बैठ करके फायर सेफ्टी के प्रति हम सतर्क रहें, क्या हमारी समस्याएं हैं, क्योंकि फायर सेफ्टी ऐसा सब्जेक्ट है इसको अभी इनिशियल स्टेज में इसमें भी काफ़ी करने की जरूरत है। तो एक ही बहुत अच्छा वर्कशॉप रखा आपने कि जो डाउट्स हैं लोगों ने पूछा कि आग के बारे में कैसे बचा जाए, इसको कैसे तो मिनिमाइज किया जाए, तो हमने फायर फाइटिंग के साथ साथ अवेयरनेस का जो कार्यक्रम था, जो हमारा फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स है, उसको हमेशा कार्यशील हमेशा बनाए रखें, औपचारिकता ना समझा। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोग्राम हमारी आग की सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी साबित होंगे। कार्यक्रम में यस के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना, नेशनल जनरल सेक्रेटरी विशाल अग्रवाल, नेशनल सेक्रेटरी जेपी सिंह, एपीसीएच के सीईओ नबील अहमद, एमएचई के अध्यक्ष नवेदुर रहमान, यस के वाइस चेयरमैन करण दुग्गल, वाइस चेयरमैन अंकित अग्रवाल, महासचिव पुनीत आर्य, कुणाल दवे, शैलेश खन्ना, विवेक मुंजियाल, राजीव मल्होत्रा, नीरज मित्तल, सुमित टंडन, विलियम गुप्ता, ऋषि पुरी, आशीष वाचर के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। सभी ने अधिकारियों के साथ साक्षात्कार किया और सभी ने एक दूसरे से जानकारियों को साझा किया। आज की जो सभा आयोजित की गई थी, ये हमने फायर सर्विसेज के रिगार्डिंग में करी थी। एक्चुअली फायर डिपार्टमेंट का हम लोगों की इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, चाहे फायर सेफ्टी हो या एनओसी हो। इसमें जो बीच के मीडिएटर लोग होते हैं, ये लोग बहुत भ्रांतियाँ पैदा कर देते हैं। जो वो लोग अपने इक्विपमेंट्स लगाते हैं वो बहुत ख़राब क्वालिटी के लगाते हैं, तो हमारे सीएफओ साहब बहुत एफर्ट्स करते हैं, उन्होंने एक्सपोर्टर्स की भ्रांतियों को दूर करा है और उन्होंने ये भी कहा है कि आप उनके और आप लोगों के बीच में कोई भी कनेक्शन बीच में नहीं होना चाहिए। आप लोग डायरेक्टली आके किसी की भी कोई भ्रांति है उसे आके दूर करिए, और एनओसी लेना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जो कि बीच के लोगों ने उसे बना दिया है। कुछ और एक्सपोजर के सामने कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी, उनको सर्टिफाइड की बात से रहे जी। एक्सपोर्टर्स की काफ़ी अलग अलग समस्याएं थी, जैसे कि रोड की चौड़ाई को लेके, सेटबैक को लेके, वाटर एनओसी को लेके, वाटर टैंक को लेके, वो सारी भ्रांतियाँ आज सीएफओ साहब ने दूर करी हैं और उन्होंने सभी को अपने ऑफिस में आमंत्रित कराया है, अपना नंबर दिया है कि कभी भी कोई भी लोग उन्हें बरगलाएं, फायर सेफ्टी को लेके उन्हें कुछ भी कहें तो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो हर समय उनके लिए अवेलेबल है। कि जब आप कोई साइट शुरू करें, फैक्ट्री शुरू करें, तो एक बार प्रोविजनल के लिए मैप को ज़रूर उनके पास पहले भेजें। ये नहीं कि फैक्ट्री पहले बना ली और फिर बाद में वो उनके पास आ रहे हैं, तो इट शुड बी मोर क्लीन एंड मोर ट्रांसपेरेंट कि पहले वो नक्शा एक बार फायर डिपार्टमेंट को दिखा लें और उसके बाद वो आगे काम शुरू करें। अब तक कहाँ परेशानियाँ आती हैं एक्सपोर्टर्स को, किस तरह से उन्हें डेवलप किया जाता है? एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज, इस तरह के इंट्रैक्शन होते रहेंगे तो एक्सपोर्टर्स की भी नॉलेज बढ़ती रहेगी, उन्हें भी क्लियर होता रहेगा कि हमें आगे कैसे लेके चलना है, कैसे मूव करना है। सीएफओ साहब ने ये भी बोला कि पहले से और आज में बहुत फ़र्क है, यंग जनरेशन आ गई है तो उससे बहुत फ़र्क है, उनको सारी वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो उनसे इंट्रैक्शन करते रहते हैं, वो उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं, तो उससे अब जो फैक्ट्रीज बन रही हैं, अब जो हैं वो नॉर्म्स काफ़ी अच्छे फॉलो हो रहे हैं मुरादाबाद के अंदर, और उनका सपोर्ट और उनका कोऑपरेशन हमेशा हमारे साथ रहेगा अगर उनकी हमें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।